यूट्यूब चैनल वेब टेक्नोलॉजी में आपका सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोग को ये बताऊंगा कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो किस तरह से बेहतर मतलब बढ़िया से बढ़िया फ़ोटो किस तरह से बनाएं। किसी भी फ़ोटो को मोबाइल से खींचा हो या मतलब कैसा भी फ़ोटो हो, अपने बढ़िया से बढ़िया फ़ोटो बनाकर एडिट कर कस्टमर को इम्प्रेस कैसे करें, तो बहुत ही शॉर्ट तरीक़ा से आपको बताया जाएगा कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो किस तरह से बनाएं। तो चलते हैं No. तो आ गए हम, फोटोशॉप अपने ओपन कर लिए हैं और एक फ़ोटो लेते हैं अभी। तो मेरे पास एक फ़ोटो है, ये इसको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो किस तरह से बनाए देखिए। पहले इसको क्रॉप कर लें अपना साइज़ में। इसके लिए हम अपना क्रॉप टूल यूज़ करेंगे और इसको क्रॉप कर लेंगे पासपोर्ट साइज़। तो इसको चलिए हम क्रॉप कर लिए हैं पासपोर्ट साइज में और जूम करते हैं। अभी इसमें फ़ोटो देखिए कितना फटाफटा सा आ रहा है, जो कि मोबाइल से खींचने पे ऐसा ही फ़ोटो आता है। अभी इसका बैकग्राउंड चेंज करने के लिए हम लोग लेजर टूल का यूज़ करेंगे और थोड़ी सी परेशानी होती है लेकिन परफेक्ट होती है। थोड़ा सा फ़ोटो को जूम कर लेते हैं ताकि बैकग्राउंड सिलेक्ट करने में थोड़ी परेशानी ना हो। तो इस तरह से अपना बैकग्राउंड पहले सिलेक्ट कर लें। बैकग्राउंड चेंज करने के लिए और भी बहुत से तरीक़ा होती है लेकिन उससे फ़ोटो हमारी उतना कुछ अच्छी नहीं बन पाती है, इससे मेरी परफेक्ट होती है। तो इस बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिया हूँ और यहाँ पे जो कलर रहेगा वही यहाँ पे आएगा। तो इस कलर हम अपना ब्लू सिलेक्ट कर लेते हैं, अपने मन से जो भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी ब्लू सिलेक्ट कर लिया और मेरा बैकग्राउंड सिलेक्ट है। मैं डिलीट बटन प्रेस करता हूँ, मेरा बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। देखिए फिर से सिखाता हूँ, देखिए मेरा बैकग्राउंड सिलेक्ट है और मैं कीपैड का डिलीट बटन प्रेस करते हैं, मेरा बैकग्राउंड चेंज हो गया। और ये सिलेक्ट जो है उसको डिसलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस डी दबाते हैं तो मेरा ये हट गया। चलिए और मेरा अब अगला काम यह है कि इसका जो हेयर है वो थोड़ा सा ड्राई ड्राई दिख रहा है, तो इसको सही कैसे करें। तो इसके लिए हम यूज करेंगे बर्न टूल, और बर्न टूल यहाँ से साइज अपना ले लें अपने अनुसार। देखिए ये मेरा हेयर ब्लैक हो रहा है, ज़्यादा ब्लैक नहीं करें नहीं तो कुछ फिर अच्छा नहीं लगेगा देखने में। ये हेयर हो गया और चेहरे पे जहाँ जहाँ ब्लैक ब्लैक दिख रहा है उसको सही करने के लिए हम यूज करेंगे अभी आई ड्रॉप टूल। और इससे मैं मतलब फेस का ही कलर सिलेक्ट करता हूँ, तो जैसे यहाँ पे सही है तो यहाँ सिलेक्ट कर लिया और इसमें भी वही कलर सिलेक्ट कर लिया। और मैं ब्रश लूँगा अपना और इसका साइज सिलेक्ट करूँगा और चेहरे पे जहाँ जहाँ ब्लैक ब्लैक दिख रहा है उसको इससे सही कर लूँगा। इसमें वो कैपेसिटी रहना चाहिए 10 से 8 तक, नहीं तो आपका फेस पूरा वाइट दिखने लग जाएगा। चलिए 9 ले लेते हैं और देखिए मेरा फेस किस तरह से सही हो गया और यहाँ पे भी देखिए सही हो गया और इसको सही कर देते हैं, इसको सही कर लेते हैं। उसके बाद जो मेरा फ़ोटो फटाफटा सा दिख रहा है उसको इन्हेंस करने के लिए देखिए थोड़ा वाइट ज़्यादा दिख रहा है, तो मैं थोड़ा ब्राइटनेस को अपना कम कर लेता हूँ, अपने अनुसार एडजस्ट करता हूँ और कंट्रोल एल से थोड़ा सा लेवल को घटा बढ़ा कर देख लेते हैं परफेक्ट कैसे है। देखिए
और थोड़ा येलो येलो फेस पे दिख रहा है, उसके लिए मैं कंट्रोल यू दबाकर अपना सिचुएशन को मतलब कम बेसी किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे येलो है तो येलो सेलेक्ट कर लेते हैं और अपना अनुसार यहाँ से कम बेसी कर लें। अब मेरा फ़ोटो लग रहा है कि शायद बनकर तैयार हो गया है, और इसमें थोड़ा सा आँख को ब्लैक कर लेते हैं ताकि थोड़ा आकर्षित फ़ोटो लगे। तो इसके लिए मैं वही हेयर वाला बर्न टूल यूज कर सकता हूँ और अपने आँख पे थोड़ा सा ब्लैक कर लेता हूँ। देखिए मेरा फ़ोटो परफेक्ट दिख रहा है। और इसको प्रिंट करने के लिए एक पेज ले लेता हूँ, कंट्रोल एन से पेज आ जाएगी मेरी, और पेज का साइज़ जो अपने अनुसार लेना है वो ले लें। मैं 4x6 अभी ले लेता हूँ, और उसमें 4x6 में 9 या 12 फ़ोटो आप निकाल सकते हैं आसानी से। वह इस पहले इसमें एक और काम रह गया, स्ट्राइक लगा लेते हैं। उसके लिए पहले फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेता हूँ कंट्रोल ए से, और एडिट पे चले जाता हूँ। स्ट्रोक है यहाँ पे, इसमें कलर ब्लैक सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे 5 कर लेता हूँ। ज़्यादा ना करें नहीं तो ज़्यादा ज़्यादा दिखने लगेगा। चलिए ये हो गया। और उसके बाद मूव टूल से इस फोटो को इस पेज पे लाते हैं। तो इस पे माउस क्लिक करके इस पे उठा के यहाँ से यहाँ लाएँ, और साइज शायद मेरा साइज सही है। और इसको फ़ोटो को कॉपी पेस्ट करने के लिए शिफ्ट और अल्ट दबा के और माउस बटन का राइट क्लिक करके और इस तरह से कर सकते हैं। साइज थोड़ा सा बड़ा कर लें। और वही शिफ्ट ऑल्ट दबा के माउस प्रेस करके इसको इस तरह से कर लें, इसको साइज सही कर लें, मिला लें इसमें। इसके बाद आप सिलेक्शन मार्कअप टूल ले लें और इसको 3 फ़ोटो को सिलेक्ट करें। ये तरीका कोई नहीं बताता है, मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट तरीका। सेलेक्ट करने के बाद आप कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट से कॉपी कर लें, शिफ्ट कंट्रोल और अल्ट और शिफ्ट प्रेस करें और कॉपी कर लें, और उसके बाद नीचे कंट्रोल भी से पेस्ट करें। देखिए, और इसके बाद आप मूव टूल से इसको अपना परफेक्ट कर लें, फिर इसे अल्ट और शिफ्ट दबाकर नीचे लाएं, और इस तरह से आपका फ़ोटो बनकर बिल्कुल तैयार है प्रिंट करने के लिए। तो आप क्वालिटी और फ़ोटो को बनाने का तरीका आप आसानी से सीख सकते हैं, और बहुत ही आसान है, और फ़ोटो का क्वालिटी भी देख सकते हैं किस तरह से है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो भाई लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इस तरह के वीडियो हम आपको हर तरह से मतलब लाते रहें, इस तरह का नया नया आपको ज्ञान देते रहें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और लाइक ज़रूर कर दे भाई। वीडियो बनाने में जो भी मेहनत लगता है, एक लाइक तो बनता है।